ये इनके पास एनपीबी राइफल और डीबीबीएल गन के लाइसेंस थे, जिसको वर्ष 2017 और 1996 में निरस्त कर दिया गया था। नियमतः जो असलहे जिनके लाइसेंस निरस्त हो जाते हैं उनके लाइसेंस को और असलहों को जमा कराना होता है। बार बार नोटिस तामील करने के बावजूद भी इन्होंने उन असलहों का ना तो पता बताया और ना ही लाइसेंस सरेंडर किया और ना ही असलहों को जमा कराया, जो कि आर्म्स एक्ट के नियमों के विपरीत था। इसलिए आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में, उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है।